दोस्तों, हम सभी लोग कंप्यूटर और लैपटॉप का प्रयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कौन सा रैम लगा हुआ है? आपके रैम का सीरियल नंबर क्या है? या मान लीजिए आपका रैम खराब हो गया है और आपको मार्केट से एक नई रैम परचेज करना है, तो आप जाकर क्या बताएंगे और कौन सा रैम लेंगे कि DDR1 है, DDR2 है, या मेरा रैम इस क्वालिटी का है? बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपिक तनवीर में। आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक मिले तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जब भी नई वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं। रैम के बारे में पूरा डिटेल जानने के लिए सबसे पहले हम विंडोज और आर प्रेस करेंगे, रैम पर जाएंगे। विंडोज और आर प्रेस किया और हम यहाँ पर टाइप करेंगे CMD। इसको प्रेस करने के बाद हम यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आपके पास कमांड खुल के आ जाएगा। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पे जो टाइप करना है वो हमें टाइप करना है WMIC स्पेस मेमोरी चिप स्पेस लिस्ट स्पेस FULL। इतना टाइप करने के बाद हम इसको इंटरप्रेस कर देंगे और जैसे ही इंटरप्रेस करेंगे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जैसे हम इसको इंटरप्रेस करेंगे अब देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है बैंक लेवल 0 कैपेसिटी। दोस्तों इसमें आपको इस कैपेसिटी के बारे में दिखा रहा है, आपकी जो मेमोरी की कैपेसिटी है वह कितनी है, वह बाइट में दिखा रहा है। अगर आप इसको MB में या GB में कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपको 2 GB मेमोरी लगी हुई है, 2 GB आपको डिस्प्ले करेगा। इसका फिजिकल मेमोरी है, ये इंपॉर्टेंट है। डिवाइस लोकेटर बॉटम, दोस्तों हर एक लैपटॉप में कंप्यूटर में किसी में 2 स्लॉट, किसी में 3 स्लॉट, किसी में 4 स्लॉट रैम के लिए दिए होते हैं। मेरे लैपटॉप में मेरे कंडीशन में 2 स्लॉट दिए हुए हैं और ये डिस्प्ले कर रहा है कि आपका रैम जो है वो स्लॉट 1 में लगा हुआ है टॉप वाले में। अगला ऑप्शन है फार्म फैक्टर, ये 12 दे रहा है। फिर इंटरलेवल डेटा 0 है। मैन्युफैक्चरर ए डाटा टेक्नोलॉजी, मतलब ये कि रैम जो है आपकी कोस कंपनी ने बनाई है, यहाँ पे दिखा रहा है ए डाटा टेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाई हुई है। मेमोरी टाइप अगर 0 शो कर रहा है मेरे कंडीशन में तो इसका मतलब आप ये समझिए कि आपका रैम जो है वो DDR4 वर्जन का है। अगर 12 दिखाएगा तो आप समझ जाइए DDR3 वर्जन का है। अगला इम्पोर्टेंट है पार्ट नंबर। अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप आप रैम अगर खरीदना चाहते हैं तो आप इसी नंबर को नोट आउट करके आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप इस अपने रैम को आसानी से परचेज कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए पोजिशन इन रो दिखा रहा है, मतलब ये कि पहले स्लॉट में मेरा लगा हुआ है रैम। अगला ये इम्पोर्टेंट है सीरियल नंबर, आपका जब भी अगर कंपनी का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो जिस कंपनी ने बनाया हुआ है वहाँ पे सीरियल नंबर दे देता है, आप सीरियल नंबर से भी आसानी से अपने प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। स्पीड यहाँ दिखा रहा है 1333 हर्टज। मेमोरी की जो स्पीड होती है वह हर्टज में होती है और हमारे रैम का स्पीड जो है 1333 हर्टज है। फिर दिखा रहा है यहाँ पे टैग फिजिकल मेमोरी 0, टोटल विड्थ 60 और टाइप डिटेल 128। यहाँ टाइप डिटेल 128 का मतलब यह है कि हमारा जो रैम है वह एस रैम है या सिंक्रोनस रैम। अगर आप कहीं मार्केट में जाते हैं लेने जाते हैं और जैसे आप उसको बताएंगे मेरा जो टाइप डिटेल रैम का है वह 128 है तो वह समझ जाएगा कि आप एस रैम यूज कर रहे हैं।